نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन पर मुख्तसरन गुफ्तगू हुई थी। मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान भी कहते हैं। पूरे कुरान का खुलासा अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में बयान किया है, फिर पूरी सूरह फातिहा का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन में बयान किया है। अगर ये कहा जाए कि पूरे कुरान का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन है तो ये भी झूठ नहीं है। अल्लाह ताला ने तमहीदी तौर पर तीन अहम उनवानात पर बात करते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जायज़ तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो पालने वाला है सारे जहान का, अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान है। मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि अर्रहमान में रहमत आम है, अर्रहीम में रहमत ख़ास है। अर्रहमान में रहमत दुनियावी एतबार से आम है, हर कोई उसकी रहमत से फ़ायदा उठा रहा है। अर्रहीम में उखरवी एतबार से, आखरत के एतबार से रहमत ख़ास है, सिर्फ़ उसके लिए होगी जिसने दुनिया में कभी शिर्क नहीं किया होगा। समझ आ रही है बात? ईमान वालों के लिए होगी। और फिर कहा मालिक यौमिद्दीन, मैं कौन हूँ, तमाम जायज़ तारीफ़ें जिसके लिए हैं, जो रब है पालने वाला, जो बड़ा मेहरबान है, जो बड़ा रहम करने वाला है, कौन है वो? मालिक यौमिद्दीन। जब इह्तिताम हो जाएगा ना इस कायनात का, तो आखिरत में जो अदालत लगेगी उस अदालत का हाकिम मैं अल्लाह हूँ।
दुनियावी आमाल पर जजा और सज़ा देने वाला मैं अल्लाह हूँ। मैं यौम क़यामत का मालिक हूँ, हिसाब व किताब लेने वाला, अपनी रहमत से जिसे चाहे बख्शने वाला और जिसे चाहे झंझोड़ने वाला, जिसे पूछने वाला कोई नहीं वो मैं हूँ। ये तमहीदी बातें करके फिर अल्लाह ने हमसे ये कहलवाया है कि कहो इय्याका नअबुदु, ये रब है जिसकी तारीफ अभी बयान की है तुमने, अभी के तमाम जायज़ तारीफ़ें हैं उसके लिए। वो जहान का पालने वाला है, वो मेहरबान है, वो रहम वाला है, वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो जज़ा और सज़ा का इख्तियार रखता है, वो मुतसर्रिफ़ुल उमूर है, वो मुख्तार मालिक है। इस अल्लाह के बारे में कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं मौला तेरी ही इबादत करूँगा और तुझ ही से मदद मांगूँगा। यहाँ मैंने अर्ज़ की कि इबादत उसकी की जाती है जिसके अंदर दो कमाल की सिफात मौजूद हों, एक कि वो आलिमुल गैब हो, ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ हो, नंबर दो जो मालिक मुख्तार हो, जो मर्ज़ी चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे वो कर सकता हो, करने में किसी का मोहताज ना हो, इबादत के लायक वो होता है। इस पर मैंने हवाले दिए थे कि अल्लाह ताला ने, देखें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का ज़िक्र बाद में किया, पहले ऐलान क्या किया उसने, वा रब्बो का यखलुको मा यशाओ, ठीक है, वा रब्बो का यखलुको मा यशाओ, तेरा रब जो चाहे जब चाहे पैदा कर सकता, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, बोलते नहीं, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है, इख्तियार है उसके पास, जब चाहे, जो चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे। ये जो कुन फयकून, ये हमारे समझाने के लिए है, वगरना अल्लाह जिस काम का इरादा करे, कुन कहने में जितनी देर लगती है, उस काम के वजूद में आने में इतनी देर भी नहीं लगती। ये हमारे समझाने के लिए कुन है। अच्छा, अब इस बनावट में किसी को कोई इख्तियार हासिल नहीं है, वो तमाम शरीकों से पाक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर फरमाया वा रब्बो का यालमो मा ताकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून, अल्लाह वो है जो तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे राजों को जानता है, जो उन तमाम चीज़ों को जानता है जो हम छुपाते हैं, जो जाहिर करते हैं, जो ज़मीनों की अंदर छुपे चीज़ों को जानता है, आसमानों की बारीकियों को जानता है जी, ज़मीन के नीचे तह में कितने ज़र्रात हैं वो सब जानता है। अब दो चीज़ों को बयान करके, एक अपनी कुदरत को और एक इल्म गैब को बयान करने के बाद ऐलान करता है वाहु वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल हम्द, दो चीज़ों को बयान करने के बाद फिर वो कहता है कि इसके सिवा कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है, इसके सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है, इबादत करनी है तो उसी की करनी है और किसी की नहीं करनी, कर ही नहीं सकते तुम। और फिर ये कमिटमेंट है, अल्लाह ने ईमान वाले के साथ ये कमिटमेंट की है कि एक चीज़ मेरे लिए ख़ास कर लो, दूसरी चीज़ मैं तुम्हारे लिए ख़ास कर दूँगा। बंदा कहता है, ईमान वाला कहता है, मौला शराकत तुझे पसंद नहीं है और तेरे बारे में शराकत मुझे भी पसंद नहीं है।
इया का नाबुदो, नाबुदो मुजारे का सीगा, इसके कितने माने होते हैं? मैंने कल भी बताया था, दो माने होते हैं, एक हाल और एक मुस्तकबिल। मांगने वाला कहता है, कमिटमेंट करने वाला ईमान वाला कहता है, मौला इया का नाबुदो, तेरी ही इबादत करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। इस करने में कोई शरीक नहीं बनाऊंगा। ये एक मेरा एक कुरान का इस आयत का अहम पॉइंट है, इसे समझिएगा। या अल्लाह इय्या का नाबुदो, तेरी ही इबादत करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा, इस इबादत करने में कोई शरीक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि शराकत तुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन वाइया का नस्ताइन, और जब मुझे ज़रूरत होगी तुझे ही से लूँगा, मरते दम तक लेता रहूँगा, और इसमें भी कोई शराकत नहीं होगी। नहीं समझ आई मेरी बात? इसमें भी कोई शराकत नहीं। जब मैं दे रहा हूँ अपनी नमाजें, अपने रोज़े, अपनी तस्बीहें, अपने कलमे, अपनी इबादतें दे रहा हूँ, तो बगैर शराकत के दे रहा हूँ ना, वो खालिस तुझे दे रहा हूँ ना, तो जब लूँगा तो किसी और का वास्ता डाल के नहीं लूँगा, डायरेक्ट तुझसे लूँगा, डायरेक्ट तुझे दूँगा, और जब लूँगा तो फिर डायरेक्ट तुझसे लूँगा। फिर ये नहीं होगा कि कोठे ते चढ़न वास्ते पौड़ी दी लोड़ पैंदी है, फिर ये नहीं होगा। फिर जज को मिलने के लिए वकील की ज़रूरत पड़ती है, फिर ये नहीं होगा। जब मैं दे रहा हूँ तो डायरेक्ट तुझे दे रहा हूँ, दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। और जब मुझे चाहिए होगा तो मेरे अंदर भी तो इज्जत नफ्स तूने पैदा की है ना, और मेरे अंदर भी तो गैरत तूने पैदा की है ना। या अल्लाह तेरी गैरत ये है कि इबादत खालिस तेरी हो, मेरी गैरत ये है कि मैं मांगूं तो तुझ ही से मांगूं, तू बगैर वास्ते के मुझे दे। और समझ आई है बात के? तू बगैर वास्ते के मुझे दे, ठीक है। अब आगे इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। अब इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम जो है, इसमें दो तीन बातें हैं जिन्हें अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अस्सिरात का जो अलिफ लाम है, ये अहद खारजी का अलिफ लाम है। कुरान करीम में दूसरी कई आयात में, ठीक है, सिरात मुस्तकीम बयान भी हुआ है। तो सिरात, अस्सिरात अल मुस्तकीम जो है, इससे अल्लाह ताला की तौहीद मुराद है, उसकी इबादत मुराद है, ठीक है। अब माना जो इसका बनेगा वो होगा कि मौला ये जो पीछे जितनी बातें हुई हैं ना, और मैंने तुझे तमाम जायज़ तरीफ़ों के लायक माना, रब माना, रहमान माना, रहीम माना, मैंने तुझे मालिक माना, क़यामत के दिन जजा और सजा देने वाला माना, तेरी ही इबादत करने का मैंने अहद किया, तुझ ही से मदद मांगने का मैंने वादा लिया, रब्बा ये जो राह है और जिसकी बातें अलहम्द से शुरू हो के नस्ताइन तक आई हैं, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, इस सीधी राह पर मुझे कायम रखना। ये नहीं है कि दिखा मुझे सीधा रास्ता, अगर सीधा रास्ता अभी देखना है तो पीछे क्या कह के आया? नहीं समझ आई बात में? ये माना नहीं कि इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, दिखा मुझे सीधा रास्ता, और सीधा रास्ता तो देख लिया। अल्लाह को रब माना कि नहीं माना? अल्लाह ताला को रहमान माना के नहीं माना? रहीम माना के नहीं माना? और क़यामत के दिन का मालिक माना के नहीं माना? अल्लाह ताला की इबादत का वादा किया नहीं किया? उससे ही मदद मांगने का अहद किया नहीं किया? तो फिर अब कह रहा कि मुझे सीधी राह दिखा, ये सीधी राह ही तो थी,
माना ये होगा एहदेना, अब साबित रख हमें इस सीधी राह पर, और ये तौहीद वाली राह पर, इस सीधी राह पर हमें साबित रख, इस तौहीद वाले रास्ते पर, इस इबादत वाली कमिटमेंट पर मुझे मुस्तकिम रख, साबित कदम रख, मैं डोलने ना पाऊं, क्योंकि तेरा मेरा मुआहदा हुआ। देखो जब दो पार्टियां आपस के अंदर कोई बड़ा बिजनेस तय करती हैं तो कई तीसरे शैतान ऐसे होते हैं जो उनकी उस कमिटमेंट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, करते हैं कि नहीं, रिश्ते हो जाएं उन्हें ख़राब करने की कोशिश करेंगे, कारोबार की डील हो जाए उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, दो दोस्त आपस में बन जाएं इनकी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करेंगे। रब्बा ये जो तेरा और मेरा ताल्लुक बना है इसे कायम रखियो, इसे कायम रख, ये टूटने ना पाए, ये ताल्लुक टूटने ना पाए, ठीक है। तो अस्सिरातल मुस्तकीम से तौहीद वाला रास्ता मुराद है। इस पर मैं एक दो गवाहियां कुरान से पेश कर दूं, व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, ओ लोगो बेशक अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम मेरा रब वही अल्लाह तुम्हारा भी रब, मुझे भी पालने वाला वही है, तुम्हें भी पालने वाला वही है, मेरी ज़रूरतें पूरी करने वाला भी वही है, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला भी वही है। जब मेरी ज़रूरतें पूरी करने वाला तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला वो है, फिर फाबुदू हो फिर इबादत भी करनी है तो किसकी, ठीक है ना। जब ज़रूरतें पूरी करने वाला वो है, पालने वाला वो है, तो फिर हमें चाहिए कि हम इबादत भी किसकी करें, अल्लाह की। हज़रत ईसा ने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। समझ आई बात, अल्लाह मेरा भी रब, अल्लाह तुम्हारा भी रब, उसी की इबादत करनी है, यही सीधी राह है। अब खालिस अल्लाह ही की इबादत को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि यही सीधी राह है, यही सीधा रास्ता है। दूसरी मिसाल सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान अलम अहद इलैकुम या बनी आदमा, ओ आदम की औलाद, ओ आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं, क्या मैंने तुम्हें बतलाया नहीं, क्या मैंने तुम्हें अवेयरनेस नहीं दी, किस बात की, अल्लाह ताबुदु शैताना शैतान की इबादत नहीं करनी, शैतान की इबादत नहीं करनी, नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन
ना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। बाप के दुश्मन को तो दुश्मन मानते हो, माँ के दुश्मन को दुश्मन मानते हो, भाई के दुश्मन को दुश्मन मानते हो। अल्लाह ने जिसे दुश्मन कहा उसे क्यों नहीं दुश्मन मानते, उसे क्यों नहीं मानते दुश्मन अपना, क्यों उसे छोड़ते नहीं हो, क्यों उसकी इताअत करते हो, क्यों अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर उसकी पूजा करते हो। शैतान की इबादत क्या है? रहमान की बात ना मानना शैतान की इबादत है। मुहम्मद अरबी की सुन्नत को छोड़ना शैतान की इबादत है। दीन में नए तरीके ईजाद करना शैतान की इबादत है। अल्लाह पे उम्मीद कम करके गैरों पे उम्मीदें रखना शैतान की इबादत है। अल्लाह के सिवा किसी और को आलिमुल गैब मानना शैतान की इबादत है। अल्लाह के सिवा किसी और के सामने हथेलियाँ करना शैतान की इबादत है। अल्लाह के सिवा किसी और के सामने दामन फैलाना शैतान की इबादत है। अल्लाह फरमाता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये खुला दुश्मन है, इसे दुश्मन मान लो, इसे दुश्मन मान लो। अल्लाह फिर क्या करें? अल्लाह फरमाता है वा अनिअबुदूनी वा नेअबुदूनी, मेरी ही इबादत करो, मेरी ही इबादत करो, सुनिएगा मेरी ही इबादत करो। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सीधी राह है। समझ आ गई बात? तो दो हवाले मैंने आपके सामने रखे कि कुरान करीम में सीधी राह किसको कहा गया? तौहीद को, अल्लाह की इबादत को सीधी राह कहा गया। इसी तरह अस्सिरातल मुस्तकीम का दूसरा मतलब पूरी शरीयत, पूरा दीन सीधी राह है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक जगह पर पूरे अहकामात को बयान फरमाया, इबादात को, मुआमलात को, अखलाकियात को, मुआशियात को, सियासियात को, इन तमाम चीज़ों को बयान फरमाया। फरमाया और इसके साथ साथ कत्ल नफ्स को, यतीमों का माल खाने को, फहाशी से मना किया गया, नाप तोल में कमी को मना किया गया, इंसाफ कायम करने का हुक्म दिया गया। इन तमाम चीज़ों को बयान करने के बाद फिर ऐलान फरमाया अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहु, यही सीधा रास्ता है, इसकी इत्तबा करो। पूरे का पूरा दीन, पूरी शरीयत मुहम्मदी, ये सीधी राह है। इसलिए सिरात मुस्तकीम सीधी राह अल्लाह की तौहीद से शुरू होकर तमाम मामलात पर है। इसकी इब्तिदा पहली सीढ़ी तौहीद है। सिरात मुस्तकीम की पहली सीढ़ी तौहीद है, ठीक है। मुस्तकीम कहते हैं सीधी राह को, बिल्कुल ऐसा रास्ता कि जिसके अंदर रत्ती बराबर भी खम ना हो, सीधा हो। तो इसकी पहली सीढ़ी क्या है? तौहीद बारी ताला। एक आदमी मुआमलात में अच्छा है, अखलाकियात में अच्छा है, लेन देन में अच्छा है, शरीफ नफ्स है, लेकिन अल्लाह की तौहीद का कायल नहीं है, तो क्या वो सीधा जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो जन्नती होने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है अल्लाह की तौहीद पर ईमान कामिल करना, अल्लाह की तौहीद का इकरार करना। ये पहली सीढ़ी है इंसान के बेहतर होने की, ये पहली सीढ़ी है इंसान के कामयाब होने की, दुनियावी तौर पर भी
और उखरवी तौर पर भी अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहली मंजिल उसकी है ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर उसके आगे है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले अल्लाह की तौहीद है, उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में सारी ज़िंदगी है, मुआमलात हैं, अखलाकियात, सियासियात, लेन देन, नाप तोल, इंसाफ, सब चीज़ें बाद में हैं। सबसे पहले अपने खालिक पर ईमान और यकीन है। अब बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब ये भी समझ लो कि हदायत के चार दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? चार दर्जे। सबसे पहला दर्जा है इनाबत का, दूसरा दर्जा फिर हदायत है, तीसरा दर्जा इस्तेकामत है, चौथा दर्जा रबतुल कल्ब है। पहला दर्जा क्या है? इनाबत का। इनाबत किसे कहते हैं? हक का मुतलाशी बनना, हक की जुस्तजू करना। जो बंदा दीन हक के लिए जुस्तजू नहीं करता, वो ना करने में अपना कोई कमाल ना समझे, अल्लाह की महरूमी समझे, अपनी बदनसीबी समझे, अपनी बदकिस्मती समझे, ठीक है, पहला दर्जा इनाबत है। मुतलाशी बन जाए हक का, न्यूट्रल होकर, दिल दिमाग बिल्कुल खाली करके, मसलक परस्तियों से अपने आप को साफ करके, अल्लाह की वहदानियत को तलाश करे, अल्लाह ताला के दीन की और सही मानों में तलाश शुरू करे। जब वो इनाबत करता है ना, रुजू इल्लाह करता है, तो फिर अल्लाह उसे हदायत देते हैं। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जब कोशिश की नहीं, इबादत है क्या पता ही नहीं, रियाजत क्या पता ही नहीं, तौहीद है क्या पता ही नहीं, रिसालत किसे कहते हैं पता ही नहीं, सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई, मरने के बाद भी कुछ पल्ले ना रहा। फिर हदायत मिलती है जब इनाबत होती है। अब हिदायत मिल गई, रोशनी मिल गई, राह मिल गया, रास्ता मिल गया, अब उस रास्ते की हिफाजत है। राह मिल गई है ना, अब इस रास्ते की हिफाजत करनी है। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह कहते हैं वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुना अल्लाह, हमारा पालने वाला कौन है? बोलो रब कौन है हमारा? रब कोई छोटा सीगा नहीं है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, मेरी फ़िक्र करने वाला, मेरे हालात को जानने वाला, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, मेरी दुआओं को सुनने वाला, मेरी इल्तिजाओं को सुनने वाला, मेरे अंदर के दुखों को जानने वाला, हर हर अमल को देखने वाला, जिया कौन है? जिन लोगों ने कहा कालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस नज़रिए पर पक्के हो गए, मौत की धमकियाँ मिली डोला नहीं, भूख आई डोला नहीं, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े डोला नहीं, तकलीफ़ें आईं डोला नहीं, मौतें लाशें उठाने पड़ गए डोला नहीं है। आज करूणा ने जो के है ही कोई नहीं है, चंद
लफ्ज़ों में है, चंद गिनतियों में है, लेकिन एक साजिश के तहत इसे बड़ा बड़ा बना के ज़ाहिर किया गया। बड़े बड़े लोगों के ईमान डोल गए। जी हाँ, अल्लाह ताला के दीन पर से एतमाद उठने लगा, अपने रब पर से यकीन उठने लगा। नाना डोला ही नहीं है, हर किस्म की मुसीबत के अंदर अपने रब पर इस्तकामत से काम लेता रहा। अल्लाह फरमाते हैं, मरेगा, फरिश्ते नाजिल होंगे और उसे कहेंगे गम ना करियो, गम ना करियो, गम ना करियो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुनिया में भी थे अब भी तेरे दोस्त हैं, क्योंकि अल्लाह ने तुझे दोस्त बना लिया है। अल्लाह का दोस्त हमारा दोस्त है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों पर खौफ भी नहीं होगा, गमगीन भी नहीं होंगे। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत के साए के नीचे होंगे, जिन्होंने इस्तेकामत से काम लिया, डट गए। जब बंदा डट जाता है, अपने अकीदे की हिफाजत करता है, फिर रबतुल कल्ब का दर्जा उसे नसीब होता है। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा यकीन अपने रब पे कामिल हो जाता है। वो कहता है, तजल्ली तेरी ज़ात की सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो अगर हमें सूरह फातिहा का तर्जमा याद हो जाए सही मानों में, तो फिर नमाज में लुत्फ आए के ना आए। हैं तो चार पांच आयतें जो हैं वो हमने पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जायज़ तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहान का। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कायम रख हमें इस सीधी राह पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। या अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हर परेशानी तकलीफ मुसीबत आजमाए से महफूज फरमा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ए अल्लाह, ये खालिस तेरे क़ुरान को सुनने समझने के लिए यहाँ आए हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको कुरान की समझ अता फरमा। या अल्लाह, इसकी रहमतें बरकतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इसको सीखना सिखाना हमारी बख्शिश का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह, हमारे मरहूमीन को इसका सवाब अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको हातमा ईमान पे फरमा। या अल्लाह, ज़िंदा रख इस्लाम पर, मौत आए ईमान पर, मरते वक़्त कलमा शहादत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला आखिरी हल्की मुहम्मद व आलिही व सहाबीही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम।